एक 164 के बयान को लेकर, मधु दुबे के बयान को लेकर काफी दिनों से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस या विवेचक सारनाथ थाने की पुलिस अब तक 164 का जो बयान है वो मधु दुबे का नहीं दर्ज कर पाई है। जी ऐसे में क्या लगता है कि क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है, और अगर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा आप लोग का? देखिए, एक चीज आपको बताएं इस मामले में जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई दरोगा जो विवेचना कर रहा है वो इतना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता है जब तक कि उसको उसके उच्चाधिकारियों का संरक्षण न प्राप्त हो। तो इस मामले में जिस प्रकार से माननीय न्यायालय द्वारा 164 कराए जाने का बयान 27 तारीख को दिया गया था, 27 26 अप्रैल को दिया गया था, उसके बाद आज 12 मई हो गई, लगभग 15 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, परंतु विवेचक महोदय द्वारा आज तक वादिनी मुकदमा मतलब आकांक्षा की मां का 164 का बयान नहीं कराया गया। अच्छा, दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि यदि कोई सामान्य प्रार्थना पत्र भी पड़ जाता है किसी विवेचक के खिलाफ तो ये मतलब ये न्याय का मूल सिद्धांत है, इन्वेस्टिगेशन का मूल सिद्धांत है कि यदि वादी मुकदमा को किसी विवेचक पर असंतुष्टि हो जा रही है तो उसको बदल दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री तक भी लेटर गए हैं, डीजीपी वगैरह तक को भेजा गया है, परंतु वाराणसी के पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में विवेचक को न बदला गया न थाने को बदला गया। और प्रथम दिन से जब आकांक्षा की मां यह मांग कर रही कि विवेचक बदला जाए और थाना की विवेचना ट्रांसफर की जाए, परंतु आज तक इस मामले में पुलिस के द्वारा लगातार ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है जिससे आकांक्षा की मां को यह लग रहा है कि मुझे न्याय मिलना असंभव हो गया है। नहीं तो इसमें इसमें रीजन क्या पता चल रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है पुलिस? और अगर पुलिस, या आपने कहा कि वरीय अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है, शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल आपने जिस कोर्ट के समक्ष में प्रार्थना पत्र दिया था और उस कोर्ट ने विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, तो जी, क्या आप लोग उसी कोर्ट में ये अर्जी लेकर गए कि भाई ये विवेचक महोदय या सारनाथ थाने की पुलिस आपके निर्देश की अवहेलना कर रहा है, अवमानना बिल्कुल। का मामला लेकर? 3 मई को हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया था जी कि विवेचक महोदय वो नहीं करवा रहे 164, जिस पर माननीय न्यायालय ने रिपोर्ट भी तलब की थी। और उधर मान लीजिए 2-3 दिन ये लोग चुनावी व्यवस्था थी और उसके बाद फिर 1-2 दिन कोर्ट नहीं था। तो निश्चित तौर पर अभी सोमवार को हम लोग फिर माननीय न्यायालय में जा करके अपनी बात रखेंगे कि आपके निर्देश के बावजूद विवेचक 164 नहीं करा रहे हैं और आपके निर्देश के बावजूद रिपोर्ट भी नहीं भेज रहे हैं। तो जिस तरह से विवेचक और थाना सारनाथ की पुलिस इस मामले में रुख अपना रही है उससे यह लग रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण इस मामले में थाना सारनाथ को प्राप्त है। नहीं तो देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कोर्ट है, न्यायालय से बढ़कर कुछ नहीं है, और आप जाहिर तौर पर जब आप अर्जी लेकर गए हैं, वहां से आदेश हुआ है, निर्देश मिला है, तो दोबारा अवमानना की मामला चलेगा और फिर कोर्ट देखेगा कि बिल्कुल, देखिए क्या। अभी कोर्ट में भी प्रार्थना पत्र देना पड़ता है पहले कि आखिर विवेचक 164 का बयान या कोई आदेश का कंप्लायंस क्यों नहीं करा रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर हम लोग इस मामले में सोमवार को एक माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दाखिल करेंगे जिसमें कहेंगे कि ये कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, इनको तलब करके दंडित किया जाए। और माननीय न्यायालय पर्यवेक्षण का भी हमारा कई प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, उस पर भी हम लोग सोमवार को माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि माननीय न्यायालय थाना पुलिस सारनाथ से न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए अब सीधे जो है कि कमिश्नर से ही इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगे। जी ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा एक स्टेप आगे की बात मैं कर रहा हूँ कि आप लोग, या मधु दुबे की, चूंकि आप वकील हैं इसलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप लोग 164 का बयान कराने की, एक तरह से कहा जाए तो, क्यों आमादा है, क्यों जीत पे अरे हुए हैं? ऐसा क्या लगता है कि हाँ, देखिए 164 का बयान पढ़ने से क्या हो जाएगा इस केस में? बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया। तो आपको बता दूं कि जब से इस मामले में जब आकांक्षा की मां थाने पर गई
तो उन्होंने जो तहरीर दी उसमें अपनी बेटी मतलब आकांक्षा की हत्या कराए जाने का प्रार्थना पत्र दिया था, परंतु थाना पुलिस सारनाथ में आत्महत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब वादिनी मुकदमा मतलब आकांक्षा की माँ मधु दुबे बार बार यह कह रही है कि आप मेरा बयान दर्ज करिए, आप मेरा पूरा बयान दर्ज करिए। तो विवेचक द्वारा जो FIR दर्ज की गई है उसी को 161 का बयान मांग कर उसी पर विवेचना की जा रही है, और विवेचना इस प्रकार से की जा रही है जैसे 406 वगैरह की धाराओं में जैसे कोई किसी का पैसा लेकर के बेमानी कर ले, उस तरह की धाराओं की तरह ये विवेचना का परिदृश्य अपना रहे हैं और तरीका अपना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले में विवेचक जिस प्रकार की जांच कर रहे हैं और थाना पुलिस जिस प्रकार की जांच कर रही है उससे आकांक्षा की मां पहले दिन से ही असंतुष्ट है, इसलिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय में बयान कराए जाने का प्रार्थना पत्र दिया है। जी, ये थोड़ा सा मुझे समझाया जाए कि तहरीर लिखने के समय में आधा बयान क्यों कह रहे हैं आप, और पूरा बयान क्या होता है? 164 वाला देखिए, बयान ही पूरा मान 161 रहा। का बयान ये होता है कि जो वादिन जो FIR में दर्ज होता है उसी को पुलिस 161 का बयान मान के प्रोसीजर आगे बढ़ाती है। तो जी जी चूंकि यह बयान 161 का पूरा, चूंकि देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में अपने कहा है कि जो FIR है वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, मतलब उसमें सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया बस यह पुलिस की प्रक्रिया को एक्टिवेट करने का एक सूचना मात्र है, ठीक जी है। तो उसके बाद 161 के बयान के लिए बार बार निवेदन किया गया आकांक्षा की मां के द्वारा कि मेरा और गवाहों का बयान पुलिस ले, लेकिन पुलिस उसी FIR के बयान को ही इनका 161 का बयान मान करके विवेचना कर रही है। तो इस नाते पुलिस के को बार बार निवेदन किया गया कि आप वादनी का और गवाहों का बयान लीजिए, जब वादनी और गवाहों का बयान विवेचक द्वारा नहीं लिया गया तो फिर 27 अप्रैल को माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसमें माननीय न्यायालय ने 164 कराए जाने का आदेश दिया। उसके बाद 3 तारीख को 3 मई को एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि विवेचक महोदय 164 नहीं करा रहे हैं, और उसके तो फिर माननीय न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी, क्योंकि कचहरी में भी इधर 2-3 दिन हड़ताल थी, फिर चुनाव जी था। तो इस नाते कल सोमवार को हम लोग यह मांग करेंगे कि विवेचक माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई हो और अब यह रिपोर्ट कमिश्नर से मांगी जाए। जी 164 का बयान तो कोर्ट में न्यायालय में होता है ना? तो जी बिल्कुल ठीक है, 164 के बयान में वही सवाल हम थोड़ा सा और सिर्फ उसी का आंसर चाहेंगे कि 164 के बयान से जैसे आधा बयान हुआ है आप कह रहे हैं, 164 का बयान होगा, पूरा बयान होगा, उस पूरा बयान में ऐसा क्या कुछ निकलने वाला है जो इस केस की दशा और दिशा चेंज कर सकता है? जैसा कि बिल्कुल। हाँ, वो मैं जानना चाह रहा देखिए, ये जो आकांक्षा की मां बार बार कह रही है कि कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके साजिश करके मेरी जी जी बेटी की हत्या करा दी गई है, तो जिसने हत्या कराई है और जो लोग साजिश में शामिल थे उनके बारे में आकांक्षा की मां को जो भी सूचनाएं मिली हैं उन सूचनाओं के आधार पर वह अपना बयान दर्ज कराएंगी। जी जी अब जी उन सूचनाओं के आधार पर विवेचक का कोई की यह मजबूरी हो जाएगी कि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करे और जी जो बयान वे देंगी उसमें धाराओं की तरमीमी करे। जैसे उनका पहले दिन से यह कहना है कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई, पुलिस 306 आत्महत्या की विवेचना कर रही है, तो जब यह बयान वह कोर्ट में दे देंगी तो पुलिस को अपनी धाराओं को तरमीम करके 302 में विवेचना करनी पड़ेगी, और पुलिस अभियुक्तों को लगातार बचाने का प्रयास कर रही है, इसी नाते पुलिस 164 नहीं करवा रही है। और इससे उनके 164 नहीं कराने से पुलिस और पुलिस के उच्चाधिकारियों की मंशा इसमें जो है अभियुक्तों को बचाने वाली लग रही है। जी हम बस 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 समझ रहे हैं आपकी बातों को। मुझे ये बताइए कि जैसे ठीक है, आपने ये कह दिया कि 164 का बयान होगा, तो इसमें जो समर सिंह और संजय सिंह के अलावा और जिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट के बारे में उनको इनिशियल सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है, वो बयान दर्ज होगा, तहरीर में लिखी जाएगी और उसी मुताबिक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, ठीक, हाँ बिल्कुल या धाराएं बदलेगी। अब बिल्कुल मुझे ये बताया जाए कि अगर पुलिस या विवेचक अगर ये चाहें, चूंकि वो जो नाम ले रही हैं ऑलरेडी पहले से मीडिया के कैमरे पर नाम ले रही हैं, और पुलिस का ये भी कहना है कि
कि उन लोगों से हम जब जब मुझे नीड हुई तब तब मैंने पूछताछ की, और अभी तक उन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मुझे बताया जाए कि अगर FIR में 164 के बयान में उन लोगों का नाम सामने भी आता है तो भी तो पुलिस बाद में उन लोगों से पूछताछ करके और क्लीन चिट दे सकती है। देखिए, अभी पुलिस जो है ना पैसे के लेन देन के मामले की विवेचना कर रही है। पुलिस ने किसी भी प्रकार से हत्या हत्या किए जाने के षड्यंत्र की विवेचना नहीं की है। तो जब इस दिशा से विवेचना होगी और तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है अपराधी अपनी दशा को प्राप्त करेंगे और विवेचना में भी कुछ क्लियरिटी आएगी। जी, समझ गए। जैसे कि उन्होंने मधु दुबे का मैं बयान लगातार सुन रहा हूँ, लास्ट टाइम भी उन्होंने संदीप सिंह का नाम लिया, श्रद्धा पांडे, अरुण पांडे बिल्कुल, इन लोगों के सहित। बीच में क्या हाँ कोलैबोरेशन है, ये लोग जी आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, जी 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 अनुराधा का क्या कनेक्शन है समर सिंह से, अन्य जी लोगों से, संजय सिंह और समर सिंह का संदीप सिंह से क्या कनेक्शन है, और श्रद्धा पांडे और अरुण पांडे का समर सिंह, संदीप सिंह और अनुराधा से क्या संबंध है, और भी इसमें एक दो लोग हैं तो उनका वो हेयर ड्रेसर जो है उनको उनके बगल के होटल में रेखा मौर्या को क्यों रुकाया गया, और वो जो होटल का कर्मचारी वीडियो दिखा रहा था उसके उसके मोबाइल में कहां से रिकॉर्डेड वीडियो आया। जब इन सारी चीजों की पुलिस विवेचना करेगी तो निश्चित तौर पर सही निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन विवेचना कर रही है या नहीं कर रही वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पुलिस का ये जरूर कहना है कि हमने इन तमाम लोगों से जब जब मुझे जरूरत हुई तब तब मैंने पूछताछ की है, लेकिन अब तक उनकी देखिए, कोई पुलिस के संलिप्तता लोग तो सामने नहीं आई। मीडिया को कोई बयान ही नहीं दे रहे हैं। वो जी तो जी हम लोग प्रयास करके जो आकांक्षा की मां से उनकी बातचीत होती जी है जी 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 उसी को मीडिया तक पहुंचा करके न्याय की और लड़ाई बस लड़ रहे हैं। उसी हाँ, आधार पे, उसी आधार पे मैं तो बोला। वो जी तो देखिए, एक अनपढ़ महिला को बहकाने फुसलाने और उसको दबाव बनाने के लिए जिस तरह के बयान पुलिस के द्वारा दिए जा रहे हैं, उसको समझाया जा रहा है, जी तो जी वो जी निश्चित तौर पर वह मीडिया का बयान नहीं है। वह तो एक अनपढ़ वादिनी को ऑफिशियल बयान समझा नहीं बुझा कहा जाएगा। करके, ठीक है, बिल्कुल। हाँ अनपढ़ अनपढ़ वादिनी को समझा बुझा करके इस मुकदमे को समाप्त करने की दिशा का एक षड्यंत्र और प्रयास है। जी, ये तो दिख रहा है सर कि चाहे जो भी हो लेंदी तो हो रहा है, जो कि इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए कोई किसी एक दिक्कत चीज के नहीं है, लिए। लेंदी हो रहा है, जी लेकिन मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, श्रोताओं को, कि हम लोगों ने जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको एक-एक लाइन पूरी कर लिया है, और जी जी पुलिस चाहे जितनी भी लापरवाही कर ले, जी अभियुक्तों को बचाने का चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह अपने प्रयास में सफल नहीं होगी, यह हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। अच्छा, अब दो तीन चीज अपडेट पर बात करके समाप्त करेंगे। लंबी लंबा डिस्कशन हो गया, लंबी बातचीत हो गई। वो जो मुंबई के जो दोस्त है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, अनुराधा, अनुराधा अनुराधा सिंह, क्या अब तक उनसे पूछताछ हो पाई है, ऐसी कोई पुलिस इन्फॉर्मेशन? ने हमारे प्रार्थना पत्र पर अनुराधा को तलब करने का नोटिस दिया था, हाँ परंतु अनुराधा अभी तक नहीं आई है। पुलिस इस मामले में अनुराधा के बचाव में लगी हुई है, और पुलिस को अभी तक गैर जमानती वारंट न्यायालय से लेना चाहिए था और अनुराधा को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए लाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये भी पुलिस लंबी उस लंबा टाइम हो गया है नोटिस उस देने। मामले पर चुप्पी साध के बैठी हुई है और उस विषय पर बात करने को भी तैयार नहीं है। धन्यवाद जी, चलिए चलिए, बहुत 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 धन्यवाद शशांक जी। थैंक यू। सर आपको।